कंजर, इसी का नाम है अमलतास। देख लीजिए कि ये खांस से ये लंबाई है पूरा और गोलाई है, बेलना के तरह गोल है डंकी का, और लंबाई देख लीजिए। इसका नमूना पहचान कर आप लोग भी गांव घर में इसका इस्तेमाल करो। ये देखिए ये क्या है, इसका नाम तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये बाबा है लाल बाबा, इससे हम जानने के लिए आपको पूरी जानकारी दें। इसका ये क्या है, इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या काम है, और इसका बहुत सारे नाम है जो हमें मालूम नहीं है, जो बाबा से हम जाने हैं। तो बाबा ये जो है इसको क्या कहते हैं? इसका नाम जो है अमलतास है, इसमें फायदा बहुत है। ये पक जाने, ये अभी कच्चा है, ये पक जाने का बाद जो है इसमें खाली मध भरा जाता है। मध भराने में इसका भीतर का जो मध होता है, इसको सूजी या चीनी में सूजी चीनी मिलाकर इसका हलवा बनाकर खाने से 80 साल बुढ़े का दम्मा, हफ्सी, बलगम, एस्नोफेलिया, कुकुर खांसी ख़त्म हो सकता है। और इसका जानकारी जो है, इसको बहुत से नाम है, हमको दो तीन तरह का मालूम है। ये तो बिहार है, इसमें अमलतास इसको बोलता है, इंग्लिश फारसी में अमलतास कहता है। अच्छा, और इसको अमलतास कहते हैं। हाँ, और हिंदी में जो है इसको बेलना बोलता है, बेलना का तरह, रोटी बेलने वाला बेलना। हाँ। अच्छा। और इसको ठेठी भाषा में इसको मैथिली भाषा, हाँ ठेठी भाषा जो है इसको बोलता है बनलौड़ी। ये तीन चार नाम से ही प्रसिद्ध है, और चिन्हने वाले के लिए ये दम्मा में बहुत सा काम आता है। इसमें 100 पत्ती भीतर में रहता है, 100 पत्ती के भीतर में जो है खाली मध भरा हुआ रहता है। इसका मध एकदम मधु से भी बेसी मीठा लगता है, क्योंकि ये अमलतास है। इसका गुण फायदा खाने का बाद बोलिएगा, नहीं तो ये आप लोग इसको आजमाइश करिए। एक तो पक्का अमलतास तोड़ करके उससे मध निकाल करके जी पर चाट करके देखिए कि मधु से भी बेसी मीठा होता है पक जाने के बाद। अच्छा बाबा, इसका काम क्या क्या है, इस किस बीमारी में ये मतलब काम आते हैं, तो उसके बारे में बताइए। ये दमा में काम आता है, एस्नोफेलिया कुकुर खांसी में काम आता है, जो कि खांसते खांसते परेशान हो जाते हैं उसी में ये काम आता है। इसका नाम है अमलतास, जहाँ भी मिले इसका मध निकाल करके खाइए, और सूजी के साथ में इसको हलवा बना दीजिए। बेसी नहीं, 15-20 दिन तक खाइए, और इसका गुण फायदा आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि इसमें क्या। ये तो जंगल का लकड़ी है, सूख जाने का बाद इसको जलाता है घर में, जहाँ तहाँ मिलता है, जहाँ तहाँ बहुत सा है, अब खोजने पर ही जल्दी मिलता नहीं है। इसका गाछ मेन मेन जगह पर रहता है, आप लोग भी देखे होंगे कि ये लटकता है, ये खांस डेढ़ हाथ का ये होता है लंबाई। अच्छा, ये मतलब कहाँ पर मिल सकता है, ये कहाँ पे कुछ पहचान दीजिए, जो वीडियो देख रहा है वो जा सकता है तोड़ने के लिए। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यही पेड़ है, आप लोग भी इस्तेमाल करिए। पहाड़ पर ही होता है, कोई कोई आदमी गांव घर में भी लगाता है, शौक से लगाता है, रोड के बगल साइड में भी मिलता है। हाँ, तो दोस्तों आप देख लीजिए इसका क्या क्या फ़ायदे हैं, और मैं अगली वीडियो में पूरा दिखाऊंगा कैसे क्या बनता है इससे, मतलब कैसे किस बीमारी में, किस बीमारी को बताऊंगा। और तो ये इसका बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसका पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, बना के लाइव करके दिखाऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल पे वीडियो देखते रहिए, और लाइक कमेंट शेयर करते रहिए।